हेयर टॉनिक नहीं बताई शायद, वो भी पता कर लो, वो ज़्यादा अच्छी है, इजी भी है। एलोवेरा लिया है और अनियन पील लिए हैं और कच्चे चावल, लौंजी, मेथी दाना, पानी। वैसे मैंने आज ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैंने सोचा जो बचेगा मैं रख लूँगी। ऑलमोस्ट पूरे में लग चुका है, इसे रूट से लेकर स्कैल्प तक इतने इतने काट देंगे। और पता नहीं क्या फ़ोन आया उसके स्कूल से, मेरे हाथ की हड्डी खिसक गई। तो बात यह है कि फ्रैक्चर आ गया, अभी जा रहे ले जा रहे हॉस्पिटल। मतलब कहाँ जा रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं हमारे चंडीगढ़ के टिकट्स बुक हैं। हेलो मॉर्निंग, नॉट गुड क्योंकि मैं हर दिन की तरह आज भी लेट उठी हूँ। नहीं, आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ, 10 बजे। आज मैं छत पे आई, मतलब छत पे मैं एलोवेरा लेने आई थी। इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी प्यारी। ओके सो वेलकम अगेन विद अ न्यू व्लॉग। मंडे है, मेरा व्रत है। यार अभी तक तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, अब पता नहीं अचानक से क्या हो गया, लो फिर से चली। ऐसा मौसम है कुछ। एलोवेरा लेने आई थी, एलोवेरा ले लेते हैं। वैसे अच्छे खासे एलोवेरा थे पड़े हुए, पर ना पता नहीं क्या यार, जो इतनी गर्मी थी ना उस टाइम में, सारे एलोवेरा और करी पत्ते सब खराब हो गए हमारे। वैसे पहले ना मेरे घर में उस लेन में प्लांट्स लगे हुए थे सारे, फिर इस कॉर्नर में कर दिए, वरना इस कॉर्नर में तो कबाड़ी भरा रहता था। कोई बात नहीं, एलोवेरा ले लेती हूँ। एलोवेरा का मैं क्या करूँगी वो अभी तुम्हें पता लग जाएगा थोड़ी देर में, पहले मैं ले लूँ। ओ ले लिया। थोड़ा सा ले लेती हूँ, फिर पीछे गिर गया। लो सारे एलोवेरा ले लिए, और इनका मैं क्या करूँगी वो तुम्हें नीचे चल के देख लेना। वैसे मैं एक होम रेमेडी यूज़ करती हूँ, मॉनसून है, बाल बहुत ख़राब हो रखे हैं, और जो मैं होम रेमेडीज हेयर के लिए यूज़ करती हूँ, वीकली मास्क, वो तो शायद मैं तुम्हें बता रखा है, वीकली मास्क और हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक नहीं बताई शायद, वो भी पता कर लो, वो ज़्यादा अच्छी है, इजी भी है, बस थोड़ी चीज़ें लगती हैं उसमें, मैं तुम्हें बता देती हूँ। आओ हाँ जी, तो यहाँ सब देना जो जो मैंने चीज़ें यूज़ करनी होती है। वैसे बेसिकली अगर तुम हेयर टॉनिक सर्च करोगे ना तो 2-3 चीज़ें मिक्स कर करके बताएंगे। तो जितनी भी चीज़ें होती है ना जो हेयर ग्रोथ को अच्छा बनाती है, स्ट्रॉन्ग करती है, और स्पेशली हमारे हेयर सिल्की स्मूथ करती है, मैंने वो सब एक में ऐड कर दी। और ऐसा नहीं मैं तुम्हें ऐसे सजेस्ट कर रही, मैंने लगभग इसे मतलब रेगुलर बेस पे तो मेरे से नहीं हो पाता, जब भी हेयर वॉश करती हूँ मैंने इसे कुछ महीनों यूज़ किया और मेरे को रिजल्ट अच्छा लगता है, कोई हार्म नहीं लगता। रोज़ भाई तुम स्किप कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव। एलोवेरा लिया है मैंने, इसे कट कर लिया क्योंकि एलोवेरा में ज़्यादा कुछ पल्प है नहीं इनमें। और अनियन पील लिए हैं क्योंकि फेंकने नहीं है, मतलब वीडियो में भी बोला था तो मैंने लिए। और कच्चे चावल, ये क्या है, कलौंजी, मेथी दाना, चायपत्ती, ये सब 2-2 चम्मच लिए हैं, ये 3-3.5 चम्मच है। और एलोवेरा अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख लो, एलोवेरा कैरेटीन का वर्क करता है। 2 चम्मच मैंने ये रोजमेरी लिया, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है। मैंने रोजमेरी ऑर्डर किया था सिर्फ सेपरेट यूज़ करने के लिए, पर उसका ना मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, बाल निकलने लगे थे, तो इसमें यूज़ करती हूँ, इसमें ठीक रहता है, मतलब क्योंकि रोजमेरी हार्मफुल भी होता है हेयर के लिए। और हाँ, मैंने मिक्सी में एक बार जो 4 प्याज है उनको थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ग्राइंड कर लिया, तो ये भी कुछ ऐसा हो गया। और ऑलरेडी मैंने लगभग इतना पानी बॉईल करके रखा है क्योंकि चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग पानी इतना ठीक है। इसे ऑलमोस्ट बॉईल करके हाफ करना है, ज़्यादा हाफ भी नहीं, हाफ करना है। तो मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ, गिरना चाहिए, गया। और हाँ, ये इसे एक बार ऐसे चला लो। और इसमें ऑयल भी ऐड करना है जो तुम चाहो, मेरे पास वो कोकोनट ऑयल रहता है ऐसे एक्स्ट्रा, तो मैं वो ऐड कर देती हूँ, बाकी जो तुम्हें सूट करे। जो ब्लू कलर की बॉटल में होता है, पैराशूट होता है, क्या होता है, वो ठीक रहता है। वैसे तो पर मैंने ये ले लिया था तो फेंकने से तो वेस्ट करना नहीं है, डाल लेती हूँ थोड़ा, मतलब ज़्यादा भी नहीं डालना, 4-5 चम्मच डाल लेना, मैंने ज़्यादा डाल लिया क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब इसे कवर करके रख देंगे, कुछ 15-20 मिनट तक इसे बॉईल देनी है हमें। पानी वैसे मैंने आज ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैंने सोचा जो बचेगा मैं रख लूँगी, क्योंकि मैं हेयर वॉश करने के 15 से 20 मिनट पहले इसे स्प्रे कर लेती हूँ पूरे हेयर्स में, और जो हेयर वॉश करने के लिए जिस पानी में डिल्यूट होता है उसको पानी की जगह भी मैं इसे लेती हूँ, इसमें डिल्यूट करती हूँ, इसलिए मतलब वो तो थोड़ा सा ही लेना होता है डिल्यूट करने के लिए। बाकी क्या ट्राई करना हो तो करना और रिजल्ट मिले तो मुझे भी बताना। या मम्मी हर दिन की तरह अपनी तोरी की स्पेशल सब्जी बना रही है जो हर दिन है पर स्पेशल है। और जो हमारी हेयर टॉनिक है वो भी बन गई है, मैंने ठंडे होने के लिए यहाँ पे रख दिए और थोड़ी सी मैंने ऑयलिंग कर दी है और बाकी जो थोड़ा सा हमें अभी यूज़ करना है वो मैंने फ्रीजर में रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए और जल्दी से यूज़ कर ले। मम्मी कह रही मेरे भी लगा दो थोड़े, मेरे भी बाल अच्छे हो गए। हर बार की तरह एक और प्रॉब्लम फेस करने को मिल गई, जो मेरी स्प्रे बॉटल है इसको मैं यूज़ करती थी स्प्रे करने के लिए लाइक दिस, इसके पता नहीं स्प्रे में क्या इशू आ रहा है, स्प्रे नहीं कर रही है। और एक छोटी सी मेरे पास है तो एक्स्ट्रा, पर वो भी पता नहीं क्यों स्प्रे नहीं कर रही है, मतलब देखो। तो मम्मी के लगा दूंगी मैं पहले और ऐसे ही लगा दूंगी हाथ से, बाकी शैम्पू में डिल्यूट करके दे दूंगी, मम्मी को आता नहीं। ये देखो स्प्रे बॉटल तो है नहीं तो इसे ऐसे ही एडजस्ट करके मैं मम्मी के बालों में लगा दूंगी। ऑलमोस्ट पूरे में लग चुका है, इसे रूट से लेकर स्कैल्प तक सब में लगाना होता है। मम्मी के तो वैसे बाल बहुत खराब है इसलिए मैंने एक बार काट दिए थे, जिस वीडियो को काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले थे, मतलब मैंने ज़्यादा ही अच्छे से काट दिए थे। अब मैं सोच रही हूँ मम्मी के बाल दोबारा काट दूँ, इतने 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 काट देंगे फिर मम्मी सुंदर हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो मम्मी ये सब होम रेमेडीज़ या फिर कुछ भी यूज़ नहीं करती है, पर पहली बार कर रही है, मम्मी ने बोला बताऊंगी तुम्हें क्यों कर रही है। बाकी रिव्यू अपना मम्मी बता देगी क्योंकि मम्मी फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही है। पूरे में लग गया ऑलमोस्ट, रूट से पे भी लग गया और स्कैल्प पे भी लग गया। ऐसे अच्छे से लगा दो पूरे में बस, और 10 मिनट के लिए छोड़ देना, वैसे 15 या 20 मिनट में छोड़ना है, पर तुम मम्मी को हम 10 मिनट छोड़ दे रहे हैं, मम्मी को नहाना ही हो ना, इंडियन वुमेन जल्दी जल्दी। लो ये भी सूख गया, मतलब सूख गया नहीं मतलब ठंडा हो गया 10 मिनट में, और मम्मी भी यहाँ तैयार है, बस मम्मी को जाके नहाना। मैं मम्मी को डिल्यूट करके नहीं दे रही शैम्पू में क्योंकि मम्मी शैम्पू वैसे ही लगाती है, डिल्यूट करके नहीं लगाती, इसलिए वो मैं कर लूँगी। बाकी मम्मी को इस पर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट ही दिखी जाएगा, मैंने अच्छे से लगा ही दिया है। लो मैंने स्प्रे बॉटल्स में फिल करके रख लिया, हफ्ता 10 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार तो मैं बाल धोती हूँ, हो जाएगा मतलब। और मैं खुद से तो नहीं लगा पाती और मम्मी को भी बहुत काम है मम्मी को बोलूँ मुझे लगाओ, तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, इसमें होल करके छोटा सा, तो शायद ये वैसे लगता ऐसे हो गया, सही है। अब मैं फटाफट से कर लेती, मैं आपको छोड़ूंगी कम से कम 20 मिनट के लिए, और मंदिर भी ज़्यादा है लेट हो गया, इसे रख देती हूँ फ्रिज में। ये देखो मैडम ने नई जगह ढूंढ ली, पता नहीं कब आके ऊपर चढ़ जाती है, हमें कुछ पता नहीं लगता, यहाँ से चढ़ेगी फिर यहाँ से कूद जाएगी। क्या चाहिए, ले तू भी हेयर टॉनिक लगा ले, ले 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 जल्दी ले ले पकड़ ले, नहीं चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो सबसे पहले मंदिर ही जाते हैं, बाकी हम छोड़ के बाय बाय माँ जी। हाँ वही तो, कोई बात नहीं, कभी कभी तो भगवान को ऐसे मेरे लिए टाइम चाहिए। जा रहे माँ जी, बाय, ध्यान रखना, अकेले हो आप। चढ़ा दो चढ़ा दो, मेरी भी तरफ है। पति क्या मिलता है, बुड्ढा, और मैं बुड्ढे से शादी कर लूंगी। कितनी अच्छी सोच आपकी, सच्ची बात है। बुड्ढा अगर आएगा और मैं बुड्ढे के लिए हाँ बोल दूंगी कि हाँ करा दो शादी, लगता है नहीं कर रही यार, ये कि देर से मंदिर जाने से बुढ़ा आदमी मिलता है। क्या कहते हो माँ जी, सुंदर तो मैं हूँ, टाइम से उठ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं कह रही थी क्या कहते हो, सुंदर तो मैं हूँ, है ना, सुंदर तो हूँ मैं। बस ऐसे लेट जाएगी फिर मजा ले, किसी में कोई से उठा के दिखा दो। आप इतने बड़े हो गए, आपको ये नहीं पता शुगर का पेशेंट मिठाई नहीं खाता? गला के आपने खाई ना? बोलो बोलो खाई। अब माजी को झूठ कैसे बोल रहे हो फिर कि मैंने नहीं पहले आके कह रही कि उन्होंने चाय पेठा बना दिया, फिर माजी ने बोला तूने मीठा खाया, तो मैंने पेठे की सब्जी बनाई। पेठे की कौन सी सब्जी होती है? पहले सच बताओ आपने खाया ना? सच बताओ आपने खाया ना? इतने बड़े होते झूठ बोलते हैं? वेरी गुड। थोड़ा ले आते हाथ में, डाल दिया 2-3 पैक में। मैं बोल रही थी माजी को रोटी बनाओ, माजी घर आ रही होगी, रास्ते में गप्पे लड़ा रही होगी। तो वो 3-4 वो शो ऑफ के लिए रखते हैं कि अच्छा लगता है कि तुझे। आप लोग वैसे माजी को नहीं बताती बड़ी मम्मी, पर बड़ी मम्मी कभी कभी खा लेती है, पर माजी को नहीं बताती। तू फिर आ गई, तेरे को हम तेरे नौकर लग रहे कि दिन में 4-4 बार हम तेरे हैं। चलो कोई बात नहीं, बुरा क्यों मानती है? मुझे लगा था ये बस मेरी है, पर ये तो दोगली निकली। दोगली क्या? बता मतलब क्या करती है? मैं करती हूँ अभी वो मुंह से पैर भी पकड़ेगी, देखना। तो इसका मतलब मुझे करती है। वो थोड़ा ज्यादा और उसे करने दोगे ना प्यार, तो हाथ पैर पकड़ने लगती है प्यार करने को। तो दूसरा काम कर दिया तो फिर इंजेक्शन। हमारा देश तरक्की कर चुका है, साइंस से आगे बढ़ गया। इधर भी इधर भी धोखेबाज। देख ही रही हूँ, एक टाइम पे मुझे भी करती थी, जो खाना देगा उसे करेगी। तेरे को ज्यादा प्यार आ रहा है, ज्यादा कट्टी कर दे। इंजेक्शन के पैसे कौन देगा? रोटी डाल दूं? अंदर डाल दूं। तो रोटी भी खा लेते हैं, भूख है इसे। दोनों के स्कूल से फोन आया, पता नहीं क्या करो, हाथ की हड्डी, पता नहीं क्या फोन आया उसके स्कूल से, करो हाथ की हड्डी खिसक गई। दिखा हाथ, दिखा बैग पकड़ रहे, हाथ दिखा। करे झटका दूंगी। दूसरा दिखा। तो फिर चल, पापा बुला रहे हो, चल। क्लिनिक दिखा दो या मसाज करेगा ना, तो स्प्रे लगाया पापा भी है ना। अभी बात कुछ है, थप्पड़ मार रही है। अरे वो उसके ना स्कूल में कुछ डांस प्रैक्टिस हो रही होगी, तो वो कह रहा है कि लड़का था तो उसके ऐसे लग गई। उसने कहा मैं गिरा तो मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, तो उसका ये हाथ में आ गया प्रॉब्लम। अब उसकी टीचर तो कह रहे शायद नस में दिक्कत हो गई होगी, वो कॉल वगैरह हड्डी लग। अब सबने देखा तो उसका थोड़ा सा हाथ ऐसे मुड़ा हुआ सा तो लग रहा है, पर पता नहीं अब बड़े दाने क्या हो रहा है क्या नहीं। आपस में डिस्कशन चल रहा है। क्या फ्रैक्चर है? थोड़ा सा टाइल पे गिरा था, मस्त टाइल पे गिरा था, इसलिए थोड़ा सा फ्रैक्चर है। देखा हो गया एक्शन? 3 हुए। 3 एक में थी या रात कब को पार आने से। पैसे तो हम 2 के ही देंगे। क्या हम बुला पकड़ो? क्या बताएंगे? मैं ऐसा कैसे करूँगा? ये हाथ में लगा, ये देख सारी हड्डी टूटी हुई है। बच गया, ये तकता पे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा डॉक्टर का कहना थोड़ा सा फ्रैक्चर है, प्लस्तर चढ़ेगा, कच्चा कह रहे हैं, कह रहे कच्चा प्लस्तर चढ़ेगा बस। वो कच्चा प्लास्टर चढ़ेगा कह रहे हैं, अब ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ तो बात ये है कि फ्रैक्चर आ गया, अभी जा रहे ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। मतलब प्लास्टर, वैसे तो डॉक्टर बोला कच्चा प्लास्टर चढ़वाओ। बड़ी मम्मी और पापा जा रहे हैं। पापा मुझे क्लास को ऑफ लेने से मना कर रहे हैं, तो मैं क्लास जा रही हूँ। मतलब क्लास जाने का टाइम हो चुका है, पर मैं सुबह से पानी तक नहीं पिया, घर के अब पानी पिया, क्योंकि मंदिर से आया फिर इसके स्कूल कॉल, फिर स्कूल से यहाँ, स्कूल से वहाँ, अभी वहाँ एक्सरे करा के लाए बड़ी मम्मी और मैं, इसलिए मैं फटाफट एक बार बनाना शेक पी लेती हूँ, फिर मैं सीधा क्लास जा रही हूँ। क्लास और शाम को मैंने, शाम के लिए मैंने साबुदाने भी नहीं भिगाए, भगवान जाने शाम को मैंने क्या लेना है। और सबसे पता है यार ठीक है भाई उसको लग गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं हमारी चंडीगढ़ की टिकट्स बुक है और इतने टाइम में इसका फ्रैक्चर की वो नहीं निकलेगी। अब कुछ कह तो सकती नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि हाँ भी इसके फ्रैक्चर हम चंडीगढ़ चले जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर कितने मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगी, इस बार मतलब अच्छे से प्रिपरेशन थी पूरी। कोई बात नहीं, मजा आ रही क्लास पे। बैक होम और नोनू नीचे सो रहा है, मतलब उसके प्रॉपर प्लास्टर है, मतलब ऐसे हाथ पे प्रॉपर और ऐसे गले में बांधा हुआ है। मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सो रहा है, तो उठ जाएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। और भाई साबुदाना भिगोना भूल गया और मैं उसके सिवा कुछ नहीं खाती, इसलिए मैं सिंपल थोड़े से आलू बॉईल कर लूँ और चटनी बना लूँगी धनिया मिर्च की, बस खा लूँगी। आज मेरे को बहुत ही भूख लग रही है। कहाँ जा रहा है? ये देखो, ये ऐसी नींद में चलता है, अचानक से उठता और चलता चला जाता है। ले जा तो मैं रही हूँ, फोन लेने आई थी मत, तो ये अचानक से चल रहे थे। हाँ अचानक से उठ गया फिर चल गया, पता नहीं कहाँ। इधर देख आँखें गर्म तो वैसे ही हो रहा होगा। अरे वो सोया है ऐसे शाम के टाइम, इसलिए हो रहा है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने देखा इसको, ये पूरा लगा दिया इन्होंने। ये पत्थर से आएगा, इसे भैया ने हाथ में फ्रैक्चर करा दिया। बताइए आपको कैसा लग रहा है? डांस प्रैक्टिस स्कूल की इतनी महंगी पड़ गई, अब कैसे डांस करेगा स्कूल में? अब तेरे को वो डांस से निकाल देंगे नोनू स्कूल वाले। डांस कैसे करेगा यार? मैं पत्थर सा है, ही पत्थर सा। चटनी बना रही है मैं फटाफट, आलू शैलो फ्राई कर दूँ। ये यहाँ लगा है फ़ोन में, और महाशय के लिए बन रही है पूरियाँ और छोले की सब्जी। This actually looks delicious। मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगा दूँ। ये घर में बहुत भगवान को भी क्रिस्पी वाला देते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। और तो क्या कुछ नहीं, बहुत भूख लग रही थी यार आज, पता नहीं भूख नहीं कंट्रोल हो रही थी क्योंकि आज भाग दौड़ इधर से उधर लगे रहे ना, इसलिए बस ये प्रे करो हफ्ते भर में उसका कच्चा प्लास्टर हट जाए। बाकी ये रस्सी क्यों निकाल दी हाथ से? सोने के लिए तो पहन के सो जाता, क्या हो जाएगा? छाती पे दबाव पड़ रहा है। अच्छा इसके ऊपर उल्टा होकर मत सो जाइए, हाथ तो कहीं दब जाए नीचे। अब बताओ चंडीगढ़ कैसे जाएंगे? पंजा लड़ा लड़ा हार गई अभी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सुनिए पॉसिबल, तब तक ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय, जा कर दे बाय।